हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने यहाँ पे लंच खा ली। यहाँ मैंने कुकर में आलू उबाल लिए हैं, ये मैंने खीर चढ़ा दी है, यहाँ मैंने कद्दू बनाऊंगी, यहाँ मैंने मसाला पका लिया है कद्दू का। अब मैं ऐड करूँगी धुला हुआ कद्दू, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी मसाले के साथ। इसको ढक दूँगी अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए। हमें लिया कुछ मूली, इनको मैं अच्छे से वॉश करके और धो लिया है। अब मैंने कद्दूकस करूँगी। यहाँ है कुछ मूली की पत्तियाँ, इनको मैं अच्छे से धो लिया है, इनको छोटा छोटा काट लिया है। इसमें ऐड किया मैंने टमाटर, हींग, रेड चिली पाउडर और थोड़ा नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस, इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं। यह हमारे कद्दू बन के तैयार है। इसमें हरी पत्तियाँ, यहाँ मैंने आलू बॉईल के इनको मैश कर लिया। यहाँ वाले हैं अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। यह हमें सब्ज़ी छौंक दी आलू की, इसको मैं चापे मिसल लगाऊंगी। यह हमें खीर बन चुकी है, इसमें मैं ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, जिन मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, इन्हें मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी, और यहाँ बनाऊंगी मैं बूंदी का रायता। यहाँ मैंने लिया दही, इसको मैं बिलो लूँगी रही की सहायता से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बूंदी। अब मैं डालूंगी इसमें काला नमक, चाट मसाला और कुछ हरी धनिया पत्ती, इन्हें सबको मिक्स कर दूंगी। ये मैं बूंदी रायता मेरे बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ लिया है दाल, उड़द की दाल, इसको मैंने ओवर नाइट के लिए भिगो दिया था। इसको वॉश कर लिया है मैंने अच्छे से, इसको मिक्सी में ग्राइंड करना है हमें। तो मैं डालूंगी सौंफ, सूखा धनिया, रेड चिली पाउडर, नमक और हींग। इसको दरदरा पीसना है, बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना है, इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के इसको दरदरा पीसना है इस तरीके से। यह हमें सब्जी बन चुकी है, मैं इसमें हरी धनिया पत्ती ऐड कर दी है। आलू टमाटर बनाए थे मैंने। यहाँ लिया पिट्ठी, इसको मैं छोटी सी लोई के अंदर फिल कर लूँगी। यहाँ लोई को बेल लूँगी। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म कर रखा था। ये मेरी कचौड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कुछ लोग इसे बेड़ी बोलते हैं, कुछ लोग इसे दाल की कचौड़ी बोलते हैं। यहाँ मैं करूँगी प्लेटिंग। मैं डाली खीर कद्दू और मैं डालू आलू टमाटर। यहाँ मैं डाले मूली का लच्छा। अब मैं रखूँगी यहाँ बेड़मी पूरी जो मैंने बनाई थी। अब मैं यहाँ रखूँगी खीर, तो मेरी पेट बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इस तरीके से बनाइए और खाइए, इंजॉय कीजिए। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।